कोरोना काल ने हम सभी के जीवन को काफी बदल के रख दिया है। आज से अनलॉक वन फेज टू की शुरुआत हो गई है, जिसमें मॉल्स, मल्टीप्लेक्स, इसी के साथ फूड कोर्ट्स, साथ साथ में मंदिर भी खुल गए हैं। अभी हम मौजूद हैं अहमदाबाद के सेंट्रल मॉल में, जहां पर अंदर से सारे नज़ारे हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस हिसाब से खास तैयारियां की गई है। खास इधर मैं एक और चीज़ आपको दिखाना चाहूंगी, यहां पर आप ये सर्कल देख सकते हैं। खास ये सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए ये ऐसे सर्कल मेंटेन किए गए हैं, बनाए गए हैं, ताकि बारी बारी से लोग अंदर आए। इसी के साथ अब हम अंदर का रुख करते हैं। अंदर भी इधर आप देख सकते हैं कि जैसे ही आप अंदर आते हैं वैसे आपका थर्मल स्कैनिंग किया जाता है, साथ साथ में हैंड सैनिटाइजर भी रखा हुआ है। उनको सैनिटाइजर का उपयोग करने के बाद ही फिर अंदर परमिशन दी जाती है। मॉल के अंदर जैसे ही घुसते हैं हम, वैसे ही बहुत सारी इधर आप देख सकते हैं तैयारियां की गई हैं। स्पेशल हर एक काउंटर पर एक ही शख्स आपको नज़र आएगा। वॉच के काउंटर पे भी आप खास देख सकते हैं, इसके साथ कहीं पे भी डायरेक्टली संपर्क ना हो, इसलिए इधर जो भी एम्प्लॉयज़ हैं वही जो भी सारी चीज़ें हैं, घड़ी हो, स्पेक्स हो, ये सारी चीज़ें वही आपको दिखाएंगे। इसी के साथ एक और बदलाव भी आया है। अक्सर हम मॉल में जाते हैं तो मेकअप जो बहुत सारे उसके काउंटर्स लगे रहते हैं, लेकिन अब मेकअप के शेड्स का हम ट्राई कैसे करेंगे, और इसी के साथ हमें अपना शेड्स पता नहीं होता, तो ऐसे में क्या खास व्यवस्था की गई है मॉल के द्वारा, ये भी हम जानेंगे। इधर आप देख सकते हैं मैम, इधर अंदर मेकअप के काउंटर के वहाँ पर मौजूद हूँ, जहाँ पर शेड को कैसे फिक्स करेंगे आप कस्टमर के लिए, क्योंकि उनको ये नहीं पता कि उनका कौन सा शेड है। ऐसे टाइम पर आप कैसी तैयारी करेंगे? हम अपनी तरह से हमारे हैंड पे या अपने ही कोई लोकेशन पे एप्लीकेशन करके दिखाएंगे तो कस्टमर उसमें सेटिस्फेक्शन रहेगा। नॉर्मली तो पर्टिकुलर शेड वाले ही कस्टमर आएंगे, बट उनकी सेफ्टी और हमारी सेफ्टी के लिए हम अपने हैंड पे एप्लीकेशन करके उनको बताएंगे। यानी जितने भी इधर एम्प्लॉयज़ हैं वे खुद पर ही अप्लाई करके फिर बाद में दिखाएंगे, और यही सेम सारी चीज़ें परफ्यूम और ये सारी चीज़ों के साथ भी होंगी। इधर आप और भी सारे शख्स मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं जो फेस शील्ड उन्होंने लगाया हुआ है। इसी के साथ वे पूरे मॉल में भी खास ध्यान रख के अक्सर हर एक घंटे में इधर सैनिटाइजेशन का काम भी चलता रहता है। अच्छा चलिए, अब बात होती है ट्रायल की। अगर हम मॉल में कपड़े ले रहे हैं तो हम किस हिसाब से यकीन कर ले कि ये प्रॉपर सैनिटाइज है या नहीं है, उसकी भी खास इधर व्यवस्था की गई है कि अगर हम कोई भी कपड़ा जो है वो ट्राई करते हैं तो उसको 24 घंटे तक अगर हम नहीं लेते तो उसके बाद एक डब्बे में रखा जाता है, और फिर बाद में उसको 24 घंटे तक वो कपड़ा वेयरहाउस में रहता है, और उसके बाद स्टीम आयन करने के बाद ही वापस से इधर लगाया जाता है। ये पूरा मॉल का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। अब मैं एक बेसिकली कैश काउंटर के वहाँ पर आई हूँ, जहाँ पर सबसे ज़्यादा भीड़ अक्सर इतवार के दिन और शनिवार के दिन होती है। यहाँ पर भी सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए खास इधर आप देख सकते हैं गोला बनाया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग का एक खास ऊपर से सिंपल नहीं पर एक स्माइली आकार का इधर सर्कल जो है वो दिया गया है। इसके बाद अब सबसे ज़्यादा जो स्टाफ है वो इस मॉल में 400 लोगों का स्टाफ है, तो ऐसे में शिफ्ट का भी बंटवारा किया गया है, लोग डिवाइड कर दिए गए हैं ताकि सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन हो पाए और सारे कस्टमर्स जो भी वॉक इन आ रहे हैं तो उन पर भी खास ध्यान रख पाए। तो इसी तरीके से फेज़ टू की शुरुआत हुई है, और साथ साथ में मॉल्स रेडी हैं अपने कस्टमर्स को वेलकम करने के लिए। सौम्या सिंह, जैसे कि आज से अनलॉक जो है वो अनलॉक वन जो है वो ओपन हुआ है और हमारा स्टोर आज से ओपन हुआ है, तो हमने सेफ्टी जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कोविड-19 की वजह से कस्टमर मूवमेंट जो है वो बहुत कम है, जिनमें हर एक कस्टमर को एक सेफ्टी जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और जो कस्टमर को डर भी लग रहा है। तो हमारे स्टोर में सेफ्टी का हमने जो ध्यान रखा है वो मैं आपको बताऊंगा कि अगर कस्टमर स्टोर के अंदर आ रहा है तो जैसे कोई भी कस्टमर आए तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि उन्होंने ग्लव्स और मास्क पहना हो। उसके बाद हमारे जो सिक्योरिटी गार्ड है वो उनको थर्मल स्कैनिंग करेंगे, थर्मल स्कैनिंग के बाद उनको सैनिटाइज जो है वो ऑफर किया जाएगा, और उसके बाद कस्टमर को अंदर एंट्री मिलेगा। अंदर एंट्री आने के बाद कस्टमर पूरा स्टोर जो है वो ओपन है, जहाँ से वो शॉपिंग करना चाहे वो शॉपिंग कर सकते हैं। हम लोगों ने हर एक एरिया के जहाँ पे सबसे ज़्यादा कस्टमर के जो टच पॉइंट है, लाइक कैश काउंटर है, एस्केलेटर है, लिफ्ट है, वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग के स्टिकर लगाए हैं, जहाँ से कस्टमर जो है वो विजुअलाइज करके अपने आप को खड़े रख के सोशल डिस्टेंस जो है वो मेंटेन कर पाए।